यशोदा, अब तुम नहीं बचोगी। ये क्या, बाबा के ऊपर जिस मायावी शक्ति का नियंत्रण है वो छल का प्रयोग भी कर रही है। मैया को इस दानवी शक्ति से छुड़ाना होगा। अरे मैया, राधा भागो। यशोदा, तेरे साथ राधा और कृष्ण को भी मारूंगा। अब एक ही मार्ग शेष है। भागेगा तो मैं भी देखता हूं। भीतर तो इतना धुआं है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल लोगों की ध्वनि सुनाई दे रही है। हमारी सहायता करो, हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये धुआं तो विषाक्त प्रतीत होता है कि अब हम जीवित नहीं बचेंगे। मित्र, अब तो शांत हो गई, पर इस विषाक्त धुएं को कैसे शांत करूं? यहाँ कैसे आया? काम करना होगा। और साथियों, मेरी बात सब ध्यान से सुनो, सबको दैत्य बनना होगा, और जो भी दैत्य नहीं बनेगा उन सबको अपने प्राण गंवाने होंगे। किंतु हम इन सबको दैत्य बनाएंगे कैसे? जैसे हम सब बने हैं उसी मुखौटे से बनाएंगे सबको दैत। किंतु वो मुखौटा है का? काना पुत्र, इस रामार्ग में पड़े किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करते। हाँ मैया, आप कहते उचित रही है, किंतु ये मुखौटा है ही इतना आकर्षक कि इसे देखते ही इसे पहनने का मन करता है। कान्हा, कान्हा, वृंदावन में चल रही समस्या का कारण कहीं ये मुखौटा तो नहीं?
कहीं इस मुखौटे को पहनकर सब लोग दैत्य तो नहीं बन रहे? हो सकता है। यदि ऐसा है तो कान्हा हमें अभी इसी समय इसे नष्ट कर देना चाहिए। मैया, ये मुखौटा तो अवश्य ही मायावी है, ये तो टूट ही नहीं रहा। मुझे दैत्य बने लोगों से बचते हुए हवेली पहुंचना होगा। ललिता, हो सकता है ये मुखौटा अग्नि से नष्ट हो जाए। छिपी हुई हो? हाँ दाऊ, अच्छा हुआ आप आ गए। हम सब सखियों को बहुत भय लग रहा है, कहीं ये दैत्य हमें भी ना पकड़ ले। और ये आपके शरीर को क्या हो गया है? मैं सब कुछ बाद में बताता हूँ, तुम अभी मेरे साथ चलो, हम हवेली चलते हैं, वहाँ कान्हा भी होगा। कान्हा, ये मुखौटा तो अभी भी नहीं चला। कान्हा, अब क्या करें? इस मुखौटे को कैसे नष्ट करें? मेरा अनुमान है कि जो लोग इस मुखौटे को पहनने से दैत्य बने, यदि उन्हें पुनः ये मुखौटा पहनाया जाए तो वो अवश्य ही पुनः मनुष्य बन सकते हैं। श्री भी दैत्य बन चुके हैं। मुखौटा कहाँ है? कौन सा मुखौटा? वही जिसने हम सबको दैत्य बनाया है। मुखौटा यहाँ है। पुत्र, ये मुखौटा तू भी पहन ले, देख देख कितना आकर्षक मुखौटा है, तू भी दैत्य बन जा हम सब की तरह, पहन ले पुत्र। हाँ बाबा, किंतु इसे पहनते कैसे? आप इसे मुझे पहना दीजिए। अच्छा, बैठ जल्दी। अच्छा अच्छा, ये क्या किया तूने कृष्णा? हमें सबको अपने नियंत्रण में लेना होगा। दाऊ, ये आपके शरीर को क्या हुआ है? उस जलते हुए घरों में लोगों को बचाने के लिए मैं वहां गया था, उत्पन्न विषाक्त धुआं पी लिया था, ये उसी का प्रभाव है कान्हा। चलो, अब तुम्हें भी बंदी बनकर इन सब के साथ यही रहना होगा। कान्हा,
बाबा तो मुर्शिद हो गए, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ दाऊ, ऐसा ही होगा। आप सभी घबराइए मत, अच्छाई कभी भी पराजित नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छाई के साथ श्री हरि होते हैं और वो अवश्य हम सभी को छुड़ाएंगे। अब तुम सब भी देखते ही देखते दैत्य बना दिए जाओगे। ठीक हमारे भांति, तो फिर सबसे पहले इन कन्याओं को दैत्य बनाती हूं मैं। कृष्णा क्या कर रहा है? ये श्री हरि के संग से बनी रेखा है, तुम सब दैत्य इसे लांग नहीं पाओगे। जब तक आप इस रेखा को लांघ कर नहीं जाएंगे, तब तक ये दैत्य आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। कान्हा, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? हमें इस मुखौटे को नष्ट करने का मार्ग ढूंढना है, किंतु हाँ, आप सभी यहीं रहेगा। कान्हा! कृष्णा! जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ये मैया और राधा कहाँ हैं? उन्हें तो मैंने इस वृत्त के भीतर रहने के लिए ही कहा था, फिर वो दोनों कहाँ चली गई? छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। रोहिणी मैया, तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो राधा, तुम्हारी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब तुम यहाँ से बसकर कहीं नहीं जा सकती। कृष्ण ने अन्य सभी लोगों को सुरक्षित कर दिया है, अब हम इस लड़की को दैत्य बनाएंगे। हाँ चलो, चलकर मुखौटा लेके आते हैं। हवेली में कोई और भी है? कौन हंस रहा है? अति सुंदर, अब पूरा वृंदावन दैत्य नगरी बनता जा रहा है। अति उत्तम, अति उत्तम। और यदि ये मुखौटा किसी भी व्यक्ति को दोबारा पहनाया जाए तो वो मूर्छा की ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां से वापस आना असंभव है। अगले 4 पहर में उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। और पता है उस मूर्ख कृष्णा ने यही किया, स्वयं अपने हाथों से अपने पिता श्री नंद को वो मुखौटा पहना दिया। अब मेरे पांव का सबसे बड़ा कांटा अपने आप ही मेरे मार्ग से हट जाएगा। नंद अब नहीं बच पाएगा। मैया आप? कान्हा, बलराम, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। मैया आप कहाँ चली गई थी और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मैंने तो आपको उस वृत्त रेखा के भीतर रुकने के लिए ही कहा था,
फिर आप कहाँ चली गई थी? जय श्री हरि। जय श्री हरि। यशोदा, तुम यहाँ हो और वहाँ कृष्ण और बलराम को दैत्यों ने बंदी बनाया हुआ है। मेरे कान्हा बलराम को? मुझे पता था कृष्ण और बलराम का नाम सुन के तुम बाहर अवश्य आओगी। काकी, काकी ये तो दैत्य है, हमें इनसे बचना होगा। हाँ राधा, भागो। राधा को उस दैत्य ने पकड़ लिया है। मैं किसी भी प्रकार अपने प्राण बचा कर आई हूँ। मैं अभी तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। मैया, आप हवेली में उस श्वेत रेखा के भीतर ही रुकिए। हाँ, आप की गांववासी और राधा की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं शीघ्र ही मुक्त करा कर लाऊंगा। नहीं कान्हा, बलराम पुत्र, तुम दोनों कहीं मत जाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों का ही बचाओ पुत्र, तुम भी मेरे साथ भीतर चलो। नहीं मैया, हम आपके साथ नहीं जा सकते, हमें सभी की सहायता करनी होगी। कान्हा, तुम तो कहते हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, किंतु अब तुम कहाँ हो? आप मैया को उस रेखा तक पहुंचाइए, मैं अभी आया। मुखौटा तो तुम्हें पहनना ही होगा। मुझे किसी भी प्रकार राधा को बचाना होगा। मुझे बचाया होगा, किंतु कैसे? मुझे तो रोहिणी काकी ने, जो स्वयं ही दैत्य बन चुकी थी, उन्हें ही मुझे मुखौटा पहनाया था। कुछ समझ नहीं आ रहा। राधा, राधा तुम ठीक तो हो ना सखी? हाँ कान्हा, मैं ठीक हूँ। कान्हा, काकी, दाव, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। वो मैंने साहूकार और उसकी किसी मित्र की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि इस मुखौटे को दूसरी बार पहनने से उसके पास सिर्फ 4 पहर का समय शेष बचता है। ये क्या भूल हो गई मुझसे? अब मुझे इस मुखौटे को नष्ट करना होगा और किसी भी प्रकार बाबा को बचाना होगा। इस विशाल महासागर में हमें तुम्हारी आवश्यकता थी।
ये तो अष्टभुज का उधर है।